अंतिम में अध्यक्ष स्थान पर नियुक्त करती हूँ। और इस अंतिम सत्र में जो संगोष्ठियां होने वाली है, लगभग 5 जितनी है, तो सभी से मेरा निवेदन है कि बहुत ही कम समय में अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ वैशाली शाह। ओके, ठीक है। सीमंती निशे, जिनका शोध पत्र का विषय है दिनकर वीर चिता रघुवंश सुबोधिनी टीकायाः पाठ समीक्षा। ओके, चतुर्मुखामुखाम्भुजवनहंसवधूर्मुवं मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्लासरस्वती। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम शोधविषयस्य शीर्षक अस्ति दिनकर मिश्र विरचिताय रघुवंश सुबोधिनी टीकायाः पाठ समीक्षा। वयं सर्वे जानीमः कवि शिरोमणि कवि कुलगुरु कालिदासः कवि श्रेष्ठ इति उच्यते। कालिदासेन अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रोमोर्वशीयम मालविकाग्निमित्रम च इति त्रीणि रूपकाणि रघुवंशम कुमारसंभवम च इति द्वे महाकाव्यम ऋतुसंहारम मेघदूतम च इति द्वे खंडकाव्ये विरचितानि। तस्य कौशलम यथा पद्यरचनायां तथैव नाटकेषु वर्तते। रघुवंश महाकाव्यस्य संक्षिप्त परिचय। रघुवंशम एकोनविंशति सर्गात्मक लालित्यपूर्णम महाकाव्यम अस्ति। सूर्यकुलोत्पन्नानां भूपतीनां चरितकथानात्मकं वर्तते। रघुवंशस्य उपरि अनेकानि टीकानि लभ्यन्ते। भारतीये पाश्चात्यैः च विद्वद्भिः कृताः रघुवंशस्य अनेकाः टीकाः समुपलभ्यन्ते। तासु मल्लिनाथसुरेयटीका प्रसिद्धा, तस्या नाम सञ्जीवनी टीका इति। हिंदीभाषायामपि रघुवंशस्य टीका वर्तते, यस्य नाम भावार्थदीपिकाभाषा टीका। एवमेव रघुवंशस्य सुबोधिनी नाम्ना टीका अपि वर्तते, यस्य टीकाकारः दिनकर मिश्रम्। टीकाकारः दिनकर मिश्रम्। उपलब्धिः प्रमाणैः सुबोधिनी कर्ता षोडशशतकीयः इति विज्ञायते। अस्य ग्रन्थस्य रचनामपि एतस्मिन् काले समभवन्ति अभ्युहितुं शक्यते। धर्मांगादः कमला च तयोः पुत्रः स पनोला इति प्रदेश निवासी आसीत्। सन ऑफ धर्मांगद एंड कमला, नेटिव ऑफ पनोला कंट्री। सुबोधिनी टीकायाः प्रतीक सर्गान्ते इति श्रीमद् धर्मांगद सुनोः कमला हृदय नंदनस्य दिनकर मिश्र कृतौ रघुवंश टीकायां सुबोधिन्यां प्रथम सर्गः इति लिखितम् अस्ति। उपलब्ध मातृकाः अस्मिन् दिनकर विरचिताया टीका भारतस्य कतिपयेषु ग्रन्थालयेषु उपलब्धा वर्तते। दिनकर मिश्रस्य सुबोधिनी टीकायाः द्वे मातृके पुणे स्थिते भण्डारकर प्राच्यविद्यामन्दिर हस्तप्रतिसंग्रहालये उपलभ्यते। तस्याः क्रमाङ्कः बोरी 629 ऑफ 1882-83 404 44 of 1887 to 91 बोरी डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग 13 नंबर वॉल्यूम सेकंड 585 टू 86। इतोपि एका अपरा मातृका गांधीनगर स्थित आचार्य श्री कैलासस्तुरी ज्ञान मंदिरे उपलभ्यन्ते। क्रमांक अस्ति
पत्राणि अत्र उपलभ्यन्ति 150 मूलमातृकैलं सम्प्रति अनुपलब्धः अस्ति तस्या प्रतिलिपि प्राप्यते मद्रास विश्वविद्यालयेन प्रकाशिते न्यू केटलॉगस कैटलॉगरम मध्ये रघुवंशस्य सुबोधिनी टीकायां नैका मातृकाः सन्ति इति लिखितम् अस्ति क्रमेण यत् प्रथम ए कैटलॉग ऑफ संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट कंटेन इन द प्राइवेट लाइब्रेरीज ऑफ गुजरात काठियावाड़ कच्छ सिंध एंड कंटेन्स वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 100 सीरियल नंबर 174 लीव्स 38 डेट 1648 डिपॉजिटेड इन सेठ भीमसे मानिक मुंबई ए रिपोर्ट ऑन द सर्च फॉर संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी ड्यूरिंग द ईयर 1882 टू 83 by R.G. Mandarkar, Bombay, 1884, quoted by number, volume number 1, page number 104, serial number 629. And the leaves are available, 20 leaves are available. Remark, Canto 3, Canto 4, unfinished. Ayam prakarena bhava patrani upalabhyanti. Itte tu na vadami. इतस्य पाठसमीक्षा सुबोधिनी टीकायाः मूलमातृका नोपलभ्यते इत्यतः उपलब्धमानयोः मातृकयोः देवनागरी लिपिबद्धां मातृकाम् आधृत्य ग्रन्थकृतसम्मतः पाठः अस्माभिरभ्युपगतो वर्तते मातृकेयं देवनागरी लिप्यां विलिखिता नमोऽर्हम्यः श्रीगणेशाय नमः इति लिखित्वा लिपिकारः एतत् पृष्ठस्य प्रारम्भम् अकरोत् अस्य अन्तिमप्रतः नोपलभ्यते अतः लिप्यान्तरस्य समयः ज्ञातुं न शक्यते श्लोकान्ते श्लोकक्रमाङ्कस्य व्यवस्था वर्तते तत्र अक्षराणि पठितुं सूकराणि सन्ति प्राचीनयोरपि मातृकयो लेखकप्रमादाभिः कुत्रचित् स्थलेषु भाषाविषययो शुद्धयः कृता विलोक्यन्ते तासु प्रमुखा अशुद्धय एवं प्रकाराः सन्ति ख इति लिखितव्ये ख इति लिखति लिपिकारः यथा सर्वेण सुषा सुखाय इति पंक्त्यान्ते आगतः दण्डः अपूर्णशब्दस्य बोधं कारयति तथा शुद्धवः वस्तुतः दण्डः अस्ति शब्दस्य शुद्धीकरणार्थं तदुपरि दण्डद्वयम् इति चिह्नम् अस्ति पंक्त्यायाम् आगताक्षरस्य अधभागे शब्दसंयोगार्थाय एडिसन् काकपदः मयूरपदः इति सङ्केतम् अस्ति अग्रिममसेः अधिकमसेः उपयोगेन प्रतिवर्णम् अक्षराणि अस्पष्टं भूतोऽसि तदर्थं लिपिकारः तम् अक्षरं पुनः दर्शयति यथा कामधेनुरासि स इति बहवः स्थाने पूर्वमात्रा परिमात्रा इति प्रयोग एतस्य प्रयोगः दृश्यते कुत्रचित् एवमपि दृश्यते यत् कर्गजमातृकायां प्रतिलिपिकारस्य लेखनान्तरमपि केनचित् ईषत् परिवर्तनं कृतमस्ति मातृका ग्रन्थे क्वचित् ख ष य प व ब ध घ इत्यादि परिवर्तनादि सदृश्यः सामान्या अशुद्धय समभाव लोक्यते उपसंहार एवं विध अशुद्धय अस्मिन् ग्रन्थे दृश्यते अस्य मातृग्रन्थस्य यद्यपि द्वे मातृके मया प्राप्त तथापि द्वे अपूर्णत्वात् अन्यया सह तुलनायां कः पाठ साधियान् शुद्ध पाठो वा इति निर्धारणस्य कश्चिदेव अवकाशः आसीत् इत्थं नूतनां विमर्शपद्धति मनुसृत्य ग्रन्थकृतसम्मतां पाठान् युक्तिभिर्निर्णीय दिनकर विरचितस्य रघुवंशौ सुबोधिनी टीकायाः समीक्षात्मकम् अपेक्षिताभिः विविधाभिः सूचनाभिः विदुषां समक्षम् उपस्थापितम् अस्ति स्तु धन्यवादः त्रुटयः सन्ति चेत् मां क्षमताम् पहले से पांच मतलब प्रथम सर्ग से पंचम सर्ग तक ये मुकेश भाई ने किया है फिर दसम सर्ग से 19वीं तक नीतेश भाई ने किया और जो
बाकी रह रहा था सृष्टि से नवम वो मैं करूँ जी, सब सम्मिलित करके प्रकाशित किया आप ही बाद में। अच्छी बात। धन्यवाद। अभी तक ये जो पढ़ाने की बात कर रहे थे, हमारे नंदरगीकर सर ने जो रघुवंश प्रकाशित किया उनमें फुटनोट में दिनकर के पाठ देते हैं, लेकिन यदि संपादक बाहर आ जाएगा तो उनको जगत पर बड़ी मेहरबानी होगी, लाभ होगा। वैशाल शाह, शोक पत्र का विषय है दुर्दाख्यान आचार्य हरिभद्र रचित व्यंग्य काव्य कथा। सर्वज्ञ विद्वगण और सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मेरा शोध पत्र का विषय है दुर्दाख्यान आचार्य हरिभद्र सूरी रचित व्यंग काव्य कथा। व्यंग काव्य ग्रंथों में दुर्दाख्यान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके रचयिता प्रसिद्ध जैन दार्शनिक एवं साहित्यकार आचार्य हरिभद्र हैं, जिन्होंने योग प्रधान आचार्य का बिरुद भी दिया गया था। उनकी रचनाएं बहुआयामी है। उन्होंने न केवल अनेक रचनाएं की है अपितु तो उन रचनाओं में विषय वैविध्य की दृष्टि से अनेकता भी दिखती है। दुर्दाख्यान का उनकी रचनाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह उनकी अपने आप में एक अनोखी साहित्यिक रचना है। कथाओं का ऐतिहासिक और तार्किक महत्व चाहे जो भी हो, किंतु ऐसी असंख्य दंत्य कथाएं काव्यों और पुराणों में प्राप्त होती है जो काल्पनिक अतिशयोक्ति युक्त और स्वीकृति योग्य नहीं है। आचार्य हरिभद्र ने दुर्दाख्यान के माध्यम से पुराणों और काव्यों में पाए जाने वाले कथानकों पर प्रहार किया है। उनके अनुसार उनका निष्कर्ष त्रिआयामी है। तार्किक वाद विवाद और परिहास युक्त आलोचना के दो मान्य तरीके हैं ऐसे साहित्य पर प्रहार करने के, व्यंग और उपहास। इनका मुख्य उद्देश्य विरोधियों को सचेत करना है, किंतु उनका तरीका और उनकी संप्रेषण शैली अलग होती है। हरिभद्र जो एक प्रसिद्ध तार्किक थे, उन्होंने अपने इस व्यंग कथा रचना में पांच धुर्तों के आख्यानों द्वारा पुराणों में वर्णित असंभव और अविश्वसनीय बातों का कथाओं का प्रत्याख्यान उपन्यस्त किया है। लाक्षणिक कथा शैली की दृष्टि से यह ग्रंथ भारतीय कथा साहित्य में अद्वितीय है। व्यंग और उपहास के उपस्थापना की दृष्टि से इस कथा का तो द्वितीय ही नहीं है, किंतु तो इस ग्रंथ की रचना के पीछे आचार्य हरिभद्र का उद्देश्य ध्वंस नहीं अपितु निर्माण रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। आचार्य हरिभद्र का मानना है कि आक्षेप या निंदा की अपेक्षा व्यंग ही एक ऐसा उत्तम साधन है जो बिना किसी हानि के मानव को दुर्नीतियों दुर्बलताओं का परिशोधन करता है। व्यंग मुख्य दो प्रकार का होता है, सरल और वक्र। सरल या सीधे ढंग से व्यंग का प्रयोग करने वाला साहित्यकार प्राय उपदेशक या उससे थोड़ा विशिष्ट होता है। ऐसे साहित्यकारों की श्रेणी में कबीर, रविदास आदि आते हैं जो संस्थागत कुरीतियों पर सीधा प्रहार करते हैं। कबीर का यह दोहा इसी प्रकार का व्यंग अभिव्यंजित करता है। ईटा पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। दुर्दाख्यान पांच आख्यानों में विभक्त प्राकृत के सर्वप्रिय छंद गाथा में निबद्ध व्यंग वक्र व्यंग की एक विच्छिन्न विच्छक्तिपूर्ण योजना है। आचार्य हरिभद्र ने एक दूरदर्शी के माध्यम से पुराणों की असंभव और अबुद्धिगम्य बातों का निराकरण का सार्थक प्रयास किया है। दुर्दाख्यान कथा है उज्जयिनी के एक सुरम्य उद्यान में ठगी विद्या में पारंगत सैकड़ों धुर्तों के साथ पांच श्रेष्ठ धुर्तों मूलदेव, कंडरीक, एलाशाढ़, शश और खंडपाना की एक द्रुत गोष्ठी की। इनमें प्रथम चार पुरुष और एक खंडपाना स्त्री थी। प्रत्येक पुरुष धूर्तराज के 500 अनुचर तथा खंडपाना की 500 अनुचर स्त्री थी। जब ये धूर्त उद्यान में पहुंचे तो घनघोर वर्षा हो रही थी। सभी धूर्त वर्षा की ठंड के से जुड़ते भूख से तड़पते हुए जीविका का कोई अन्य साधन न देखकर यह निर्णय करते हैं कि बारी बारी से पांचों धूर्त नेता अपने अपने जीवन के अनुभव सुनाएंगे, और जो धूर्त नेता अन्य चार के अनुभवों को असत्य और अविश्वसनीय सिद्ध कर देगा, वही सारी मंडली को एक दिन का भोजन
कराएगा। इसके अतिरिक्त जो धूर्त नेता स्वयं रामायण महाभारत पुराणों आदि के कथानकों से अपनी अनुभव कथा का समर्थन करते हुए उसकी सत्यता के प्रति विश्वास दिला देगा, उसे सभी धूर्तों का राजा बना दिया जाएगा। समय की मर्यादा से मैं पूरा पेपर में जो मैंने डिटेल में दिया है वो न देकर मैं शॉर्ट में कहूंगी कि धूर्ताख्यान के पांचों आख्यानों में कुल मिलाकर मुख्यतः निम्नलिखित कथा प्रसंगों पर व्यंग किया गया है। उसमें प्रथम आख्यान में ब्रह्मा के मुख बाहु जंघा और पैरों से चातुर्वर्ण्य की उत्पत्ति, अप्राकृतिक दृष्टि से कल्पित विभिन्न जन्म कथाएं, शिव की जटा में गंगा का समाना और ऋषियों और देवताओं के असंभव और विकृत रूप की मान्यता। द्वितीय आख्यान में अंडे से सृष्टि की मान्यता, अखिल विश्व का देवों का मुख में निवास, द्रौपदी के स्वयंवर में एक ही धनुष्य में पर्वत, सर्प, अग्नि आदि का आरोप, जटायु हनुमान आदि की जन्म संबंधी असंभव भावना कल्पनाएं। तृतीय आख्यान में जमकदनी और परशुराम संबंधी अविश्वसनीय मान्यताएं, जरासंध के स्वरूप की मिथिक कल्पना, हनुमान द्वारा सूर्य का भक्षण, स्कंद की उत्पत्ति संबंधी असंभव कल्पना, राहु द्वारा चंद्र ग्रहण की विकृत कल्पना और वामना अवतार और वराह अवतार की विकृत मान्यताएं। चौथे आख्यान में रावण और कुंभकर्ण संबंधी मिथ्या मान्यताएं, अगस्त्य ऋषि द्वारा समुद्र के पान की कल्पना, कद्रु और बीनीता के अस्वाभाविक उपाख्यान, समुद्र पर वानरों द्वारा पर्वतों खंडों से सेतु की रचना। पंचम आख्यान में व्यास ऋषि के जन्म की अद्भुत कल्पना, पांडवों की अप्राकृत अद्भुत कल्पना, शिवलिंग की अनंतता की अवधारणा, हनुमान की पूंछ की असाधारण लंबाई की मान्यता और गंधारिकावर राजा का मनुष्य शरीर छोड़कर वन में कुबेर वृक्ष के रूप में परिणित होने की कल्पना। इस प्रकार पुराणों की विभिन्न कथा कल्पनाओं का मिथ्या भ्रांति मानकर उनका व्यंगात्मक शैली में निराकरण करने में आचार्य हरिभद्र ने अपने अखंड पांडित्य और प्रकांड आचार्यत्व का परिचय दिया है। धूर्ताख्यान में सृजनात्मक व्यंग प्रक्रिया अपनाई गई है एवं सप्राण शैली में वैषम्य पूर्ण तथा परस्पर असंबद्ध तथ्यों का तिरस्कार समाज निर्माण की दृष्टि से किया गया है। कथा के शिल्प विधान का चमत्कार तथा दुरूह उलझन भरी सामाजिक विकृतियों का आख्यान शैली में प्रति आख्यान इस कथा ग्रंथ के आलोचकों को भी मुग्ध कर देने वाला है। निसंदेह विश्वजनीन कथा वाङ्मय का विकासात्मक अध्ययन धूर्ताख्यान जैसी पार्यंतिक व्यंग काव्य कथा के अध्ययन के बिना अधूरा ही माना जाएगा। मेरे से कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा। थैंक यू। इतना हाँ जी बड़ा व्यंग तो क्या कोई ब्राह्मण संस्कृति के ग्रंथकार ने ये धूर्ताख्यान खंडनम जैसा कोई ग्रंथ लिखा है या नहीं, क्या अद्यावधि नहीं, मुझे तो मैंने तो नहीं खबर क्या अच्छा कोई रैशनल बनता है, ये जो कहानियां तर्क सिद्ध नहीं होती है हाँ। उसको बुद्धिगम्य बनाने का प्रयास किया है कि केवल तिरस्कार और व्यंग करके छोड़ दिया नहीं, है, तिरस्कार और व्यंग करके ही छोड़ दिया है। सही रूपांतर किया है उसी कथा को हाँ, एमा मूळ अवतार कथा शू छे ए આપેલું છે, એ नया મારું अवतार में उसको એટલે नया પહેલા વ્યંગ કથા अवतार આપેલી છે અને પછી મૂળ કથાના સ્વરૂપમાં આપેલું છે, પણ એ વ્યંગનો જ એક ભાગ છે, એટલે એને રિયલ કરવા માટેના કોઈ પ્રયત્ન કરેલા નથી। सभी शास्त्रकारों के लिए चुनौती है कि हरिभद्र सूरि का ये जो धूर्ताख्यान है जिसमें ब्राह्मण संस्कृति के सभी पुराण ग्रंथों पर ये व्यंग्य किया गया है तो उस ग्रंथ के सामने एक दूसरा ग्रंथ लिखा जाना चाहिए, धूर्ताख्यान खंडनम और खंडनम के बाद धूर्ताख्यान खंडन मंडनम, ऐसी परंपरा चलनी नहीं नहीं, ये हमारे भारतवर्ष में ऐसा होता रहा है, दिस इज अ ट्रेडिशन। अक्षिता नहीं नहीं अक्षिता सभी विद्वत जनों को और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सर्वेभ्यो नमः नमः। मेरा टॉपिक है राजशेखर कृत कपूर मंजरी शतक। मनुष्य के स्वभाव से ही अनुकरण वृत्ति पाई जाती है। मनुष्य के इस अनुकरण वृत्ति को रसानंद में परिवर्तित करने का दूसरा नाम ही नाट्य है। आदिकाल से ही भारतीय जनजीवन के मनोरंजन के लिए
श्रेष्ठ माध्यम की तरह यह नाटक को अपनाया गया है। नाटकों की उपयोगिता का दूसरा कारण इसमें जन भावना की प्रधानता है। वैदिक काल से ही नाट्य साहित्य की विकास धारा सतत प्रवाहमान है। वैदिक काल में नाट्य तो नहीं लेकिन मृत शब्द का प्रयोग किया गया, वैदिक ऋषियों द्वारा किया गया है। आगमे नृत्य नृताय सूतम, नट शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम पाणिनि द्वारा किया गया था। रुत और नट दोनों शब्द नृत्य और अभिनय के बोधक होते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में भी कहा गया है कि काव्येषु नाटक रम्यम्। नाट्य का स्वरूप ही एक शतक है। शतक की उत्पत्ति और विकास मैंने लिखा है लेकिन समय की मर्यादा के कारण मैं नहीं बोल पाती हूँ। लेकिन नैमिचंद शास्त्री ने शतक की निम्न विशेषताओं को संकेत किया है। शतक में चार जवनिका होती है, कथा वस्तु कल्पित होती है। शतक का नाम नायिका के नाम से ही होता है। उसमें प्रवेशक और विश्वम्भक नहीं होता। नायक वीर ललित होता है, अद्भुत रस का प्राधान्य होता है। पटरानी गंभीरा और मानिनी होती है। इसका नायक पर पूर्ण शासन होता है। स्त्री पात्रों की बहुलता होती है। प्राकृत भाषा का प्रयोग होता है। नृत्य की प्रधानता रहती है। श्रृंगार का खुलकर वर्णन किया जाता है। अंत में आश्चर्यजनक दृश्यों की योजना होती है। शतक केवल प्राकृत भाषा में लिखने का संभवतः वह प्रथम प्रयोग राजशेखर सूरी ने किया है। वो कपूर मंजरी में है। उन्होंने लिखा है कि पुरुषा सखी अबंधो पाउद बंधो बी होई सुमारो पुरुषा महिलानाम जेती अमी हंतरम तेई अमी माणम। जिस तरह पुरुष कठोर होते हैं उसी तरह संस्कृत भाषा भी कठोर होती है और जिस तरह स्त्रियां सुकुमार होती है उसी तरह प्राकृत रचनाएं मधुर और सुकुमार होती है। फिर नाट्य शास्त्र में भी सोर सैनम के नाटकों की प्रधान भाषा होने का संकेत मिलता है। सोर सैनम समाश्रित्यम भाषा कार्य तु नाटके। कपूर मंजरी नाटक इसका मध्य भाग शोर सैनी प्राकृत में और पद्य भाग महाराष्ट्र के प्राकृत में निगत है। कपूर मंजरी में 70 छंदों में 144 पद्य है। इसमें हास्य रस का सुंदर समावेश किया गया है। उसमें देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है जैसे खिड़कियां खिड़की टिल्ला टिल्ला कहीं भी। फिर सुंदर लोकोक्तियां भी है जैसे हस्त कंकण किं दर्पेण दश्यते हाथ कंगन को आरसी क्या। फिर राजशेखर का है। फिर सब पात्रों का परिचय दिया है मैंने। उसमें चार जोनी का है। वो उसमें ऐसा है कि चार जोनी का है उसमें। प्रथम जोनी का में राजा चंद्र पर रानी विभ्रम देखा। विदूषक और अन्य सेवक रंगमंच पर आते हैं और भैरवानंद जो एक अद्भुत योगी है वो विदूषक उसको लेके आता है और राजा उसे कहता है कुछ अद्भुत दिखाओ तो वो कपूर मंजरी को उसके सामने प्रदर्शित कर देता है। ऐसी बात है। दूसरे में वो राजा कपूर मंजरी को देख के ही दूसरी जमीका में राजा राजा कपूर मंजरी को देख के ही बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ प्रेम करने लगता है और कपूर मंजरी राजा से प्रेम करने लगती है। तीसरे में उन दोनों की काम की सब कुछ बातें आती है और सपना ऐसा कुछ आता है और दोनों का मिलन सुरंग के वास्ते होता है ऐसा दिखाया है। और चतुर जौनिका में उन्होंने वट सावित्री महोत्सव भी दिखाया है कि राजा को बोलती है कि केली विमान जो दासी होती है दासी राजा को कह जाती है कि आप केली विमान से वट सावित्री का उत्सव जो है वो देखिएगा और आज तुम्हारा दूसरा विवाह हो रहा है कपूर मंजरी से। रानी दीक्षा ले रही है भैरवानंद से ऐसा आश्चर्यजनक बात कहती है इसलिए वो शतक भी कहलाता है। उसमें रूढ़ प्रक्रिया भी है दोहर की वो बहुत बेहद है। उसमें तीन दोहर दिखाए हैं। कुर्बक का आलिंगन तिलक वृक्ष को तिरछी निगाह से देखना और अशोक वृत्त का पाद प्रहार। वो रानी ने लगाए है वृक्ष लेकिन वो ये तीनों जो दोहद है वो कपूर मंजरी से पूरा करवाती है ऐसा दिखाया है। फिर मनोरंजन के कई कई साधन उस समय होते थे वो मैंने सब लिखा है कि गर्मी में रात लोग घर घर के आंगन में सोते थे।
वसंत में लोग झूला झूलने के लिए आनंद किया करते थे। सायकाल में क्रीडा और चित्रशाला में लोग आनंद लेते थे। इंद्रजा जो जादू विद्या है उसका भी उल्लेख उसमें हुआ है, जो मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करता था। फिर बंदीगण अपने प्रकृति वर्णन से राजा रानी को प्रसन्न करते थे। वेणु वीणा मृदंग करताल वशी मृदंग वाद्य आदि का भी उल्लेख मिलता है। और सबसे बढ़िया बात है कि शतक की शुरुआत में ही चरचरी नृत्य आता है, जो जिसमें हाव-भाव का घना महत्व रहता है। फिर सामाजिक व्यवहार में समाज में झगड़ा होने पर गालियों देने का प्रचलन था, जैसे दासी पुत्री, झगड़ालू, ठग डरने वाली, गलियों में पुरुषों के साथ घूमने वाली, सूप की तरह कानों वाली आदि स्त्रियों को देने जाने वाली प्रमुख गालियां थी। फिर कान उखाड़ना, मुंह तोड़ना ऐसे धमकीपूर्ण वाक्य का भी उपयोग किया है। फिर वहां पंच गव्यों को पवित्र माना गया है और मदिरा वस्तु वो निंदित रही वस्तु रही होगी है। मांस, शक्कर, तक्र यानी कि मट्ठा, दूध, दही, भात आदि प्रमुख खाद्य पदार्थ थे। पशुओं में घोड़ा बैल का उल्लेख मिलता है, दो पहियों के रथ का प्रयोग मिलता है। फिर विमान की कल्पना उस समय की, जो ध्यान रूपी विमान में देवंगनाओं के साथ विमान शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर बाण, धनुष, तरकश, बाण, भाला, तलवार, मल्लयुद्ध, चर्म निर्मित कशा, ढाल आदि का भी उल्लेख मिलता है। धार्मिक दशा में लोग शिव, सरस्वती, कामदेव, गौरी, चामुंडा आदि की स्थापना करके प्राण प्रतिष्ठा हेतु कर्मकांड करने का भी विधान है। गुरु बनाकर इष्ट मंत्र का लेने का उल्लेख उस समाज में भी था और गुरु की महत्ता को घोषित करता है। फिर हिंडोला चतुर्थी, व्रत सावित्री आदि धार्मिक समारोह का आयोजन होता था। फिर भैरव आनंद है, वो ऐसा बोलता है, मैं ना कोई मंत्र जानता हूँ, ना मैं कोई तंत्र जानता हूँ, ना मैं कुछ ध्यान किया है, ये सब मेरे गुरु का प्रसाद फल में मैं मदिरा पीता हूँ और अपनी स्त्रियों के साथ रमन करता हूँ। फिर विधवा या चंडाल स्त्री को मैं धर्मानुकूल पत्नी समझता हूँ। मैं सुगा पीता हूँ, मांस खाता हूँ, भिक्षा मेरा भोजन है, पशुश्चर्म मेरा बिस्तर है। कौन धर्म के इस किसको अच्छे नहीं लगते, ऐसे धर्म किसको अच्छे नहीं लगते। इसी तरह मैं उपसंहार पे आती हूँ, ये शतक केवल केवल प्राकृत भाषा में लिखा गया है, फिर भी दृश्य काव्य की विशेषताएं इनमें कम नहीं है। जैसा कि मंगलाचरण ने ही कहा है कि इस नाटक में वैदर्भी, भाक्ति, पांचाली ये तीनों रीतियां पाई गई है। इन तीनों रीतियों के उचित मिश्रण से इस नाटक में एक अद्वितीय सौंदर्य पाया जाता है। जटिल छंदों का प्रयोग से इस नाटक में कोमलता और ओज गुण पाए जाते हैं। भाषा और चरित्र चित्रण में राजशेखर ने यथास्थान पाया जाता है। यह शतक श्रृंगार प्रधान है, प्रारंभ से अंत लेकर श्रृंगार और प्रेम का ही वातावरण पाया जाता है। अंत में अद्भुत रथ का भी विवेदन होता है, हास्य रथ से भरपूर है। शतक विद्या साहित्य सृजन करने में राजशेखर का कार्य निश्चय ही क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने लोक सामान्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे विषय को उठाया जो लोक शैली, लोक भाषा एवं लोक मंच से सघन था। उसके मनोरंजन हेतु उसकी भाषा में दृश्य काव्य उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी, जो राजशेखर ने इसी रूप में कपूर मंजू शतक को प्रस्तुत कर जनता जनार्दन की आकांक्षा की पूर्ति की और जन कवि के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। राजशेखर कृत कपूर मंजू शतक जनप्रिय नाट्य विद्या शतक के परिवार के पथ प्रदर्शक की भांति है। आज शतक साहित्य के रूप में कुछ गिने चुने ही शतक उपलब्ध है, परंतु इसे इसका महत्व कम नहीं था। 9वीं शताब्दी में जो अभी हम लोग जो चलन में वो ही उस समय भी था, जैसे वट सावित्री का व्रत, फिर हिंडोला दर्शन, फिर गुरु को स्थापित करना, ऐसा सब चलन वो पहले से ही आगे से ही आ रहा है। और जो ये नाटिका है, ये इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो आज की भवई भवई का स्वरूप हम दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो धन्यवाद। डॉक्टर कुणाल भाई कुपासी, नमस्कार। मैंने अपना पेपर का नाम रख दिया है हेम के राम।
हेमपेरम यानी रामायण, जैन रामायण भी प्रसिद्ध है और उसका प्राचीन स्वरूप पौमचर्यम है जो प्राकृत में लिखा गया है। उसके बाद भी अलग अलग कहावली है, चौपन्न महाप्रीश्चर्यम, उन सब में भी रामायण की कथा कही गई है। तो यहाँ पे जो 63 शलाका पुरुष है उसमें राम, रावण और लक्ष्मण इन तीनों का समावेश किया जाता है और तीनों को वंद्य भी माना जाता है। तो इन तीनों का चरित्र हेमचंद्राचार्य ने दो तरह से दिया है। एक तो जो 63 शलाका पुरुष में दिया है उसमें 3718 श्लोक में जो सप्तम पर्व है उसमें 10 सर्ग में कुल 3718 श्लोक में रामायण का वर्णन हेमचंद्राचार्य जी ने किया है। और दूसरा योग शास्त्र में परस्त्री त्याग, उसके विषय में भी हेमचंद्राचार्य ने लगभग 200 या 300 श्लोक में पूरा रामायण उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो ये उनकी विद्वत्ता का एक प्रमाण भी है कि भाई लंबा भी उन्होंने महाकाव्य के रूप में भी प्रस्तुत किया है और संक्षिप्त भी किया है। तो यहाँ मैं राम की कुछ बात करूंगा। तो यहाँ पे देखिए हेमचंद्राचार्य ने एक कुछ बात भी उसमें की है। तो वैताभ्याद्रेह दक्षिणतः कैलासस्य च उत्तरेण च सत्यनार्य जनपद भूयांशो भीषण प्रजा। यहाँ पे कहा गया है वैताड्य पर्वत के दक्षिण में और कैलाश पर्वत के उत्तर में अनार्य देश बहुत सारे हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई कैलाश पर्वत के उत्तर में आज हम बोलते हैं चीन और इत्यादि देश, तो उसको भी अनार्य देश कहा जाता है। अभी मैं राम के लिए हेमचंद्राचार्य ने शब्द भी दिए हैं, काकुत्स्थ रघुपुंगव रामभद्र नेत्राभिराम सिद्धाग्न इत्यादि विशेषण राम के लिए उन्होंने प्रयुक्त किए हैं। रावण के लिए जो बात है उसमें भी एक किया है कि भाई नव माणिक्य से युक्त हार में उसका मुख संक्रमित हुआ, उस कारण से रावण का नाम 10 मुख हुआ है। उसमें रावण की भी का जन्मदिन की बिछन सॉरी मृत्यु की बात की है। तो रावण की मृत्यु ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी के पश्चिम यम में हुई है, इतना उल्लेख इसमें भी है मिलता है। और उनका उसका आयुष्य 1200 वर्ष का था। हनुमान के वंश में कोई वानर वंश कैसे आया? तो वानर द्वीप राज्य न वानरे लक्ष्मीस तथा वानरा इति कीर्त्यन्ते तस्था विद्याधरा आदि। तो यहाँ पे वानर वंश की उत्पत्ति की बात ऐसे की है कि जो विद्याधर लोग थे वो वानर द्वीप में गए और वहां वानर बहुत थे। तो जो श्रीकंठ नाम का राजा था उसने उन वानरों को अपने ध्वजा और इत्यादि देश के जो चिन्ह थे इसके रूप में उसको स्वीकार किया, उसलिए उसका नाम वानर वंश पड़ा। अभी राम की बात कहते हैं कि उसमें राम उसके लिए कुछ बात मैं रखूंगा। श्रम स्थाने पिहि तयो रजनीजी कृत चापयो चकंपे तम तपनोक्युच्चैः तस्थो वेदाभि संकया। राम की हम बात करते हैं तो राम बाणावली थे, बाणावी तो उसकी बात की है कि भाई वो दोपहर तक प्रैक्टिस करते थे वो धनुष्य की। तो उसके डर से सूर्य आकाश में स्थिर रहा कि भाई मुझे भी ये बिंद देंगे। तो इस बात है उसके बाद है त्रोणाय मन्यमानो तौ दुस्थाम्नापि द्विषाम्बरम कौतुकाय एव मेनाते शस्त्र कौशलम आत्मनः। राम और लक्ष्मण वो अपने शस्त्र कौशल को कौतुक के लिए ही मानते थे और शत्रुओं की हिंसा करते थे। जब राम बाण चलाते थे तो उसका एक वर्णन है भ्रूभंगम अपि अकुर्वाण गीर्वाण इव भूगत रामस्तान कोटिश यस्त्रे विव्याध व्याध बंधुगण और दुरापाती दृढ़ाघाती शीघ्र वेधी च राघव तां लेच्छां हेलयां पक्षिं सर्व कुंजरान इव। तो
यहाँ पर उनका उनके पराक्रम की भी बात की है। और यहाँ जो वनवास की बात आती है तो वनवास में भी यहाँ पे ऐसी बात आती है कि राम ने स्वयं ही वनवास स्वीकार किया है। उसमें रामो राजन मृत्युजे भरतो मयि सत्यसौ राज्यम न दास्यते तस्मात् वनवासाय याम्यहम्। राम ने दशरथ राजा को कहा कि मैं मेरे होने पर भरत राज्य नहीं करेगा, इसलिए स्वयं मैं वनवास के लिए जाऊंगा। दूसरी एक बात है शूर्पणखा की। शूर्पणखा की जो बात है कि भाई राम के और लक्ष्मण के पास शूर्पणखा जब आती है तो दोनों उसको कैसे निग्लेक्ट करते हैं, तो उसकी बात यहाँ पे आती है। तो जब शूर्पणखा आती है सुंदरी बनकर, तो आप मेरा स्वीकार कीजिए, तो राम कहते हैं कि भाई मैं अपने पत्नी के साथ हूं तो मैं आपका स्वीकार नहीं कर सकती, और तुम लक्ष्मण के पास जाओ। तभी लक्ष्मण क्या जवाब देता है कि तुम पहले राम के पास गई, अब मैं तुमको नहीं स्वीकार कर सकता। तो इस प्रकार यहाँ पर हेमचंद्राचार्य जी ने रामायण में राम लक्ष्मण इत्यादि का सुंदर वर्णन दिया है। और जैन जो मुनि है वो किसी भी व्यक्ति को दोषित नहीं करते। यहाँ पे भी रावण की का अभिमान है, बराबर उसकी स्त्री लंपटता है, उसको दोष दिया है। सीता को भी जब राम ने छोड़ा तो सीता भी उसने भी कर्म की बात की कि भाई मेरे कर्म से ही मुझे ये राम ने त्याग किया है। तो इस प्रकार हेमचंद्राचार्य ने भी अद्भुत रामायण का यहाँ पे वर्णन किया है। धन्यवाद। चंद्रिका बेन चौहान, इससे पहले निवेदन है कि जो बाकी के शेयर करता है वो सिर्फ अपना सारांश ही प्रस्तुत करे समय के अभाव के कारण। नमस्कार सभी ज्ञानी जनों को मेरा नमस्कार। मेरा विषय है हेमचंद्राचार्य कृत काव्यानुशासन में घोर विचार। काव्यानुशासन जो है वो काव्य प्रकाश का प्रतिबिंब है। हेमचंद्राचार्य ने अपने पूरे काव्यानुशासन में काव्य प्रकाश का उल्लेख किया है। गुणों के विचार में भी उन्होंने मम्मट और आनंदवर्धन का उल्लेख करते हुए किया है कि गुण तीन है। उन्होंने गुण की व्याख्या दी है, रसस्य उत्कर्ष हेतवः गुणः, जो रस का उत्कर्ष करते हैं उसे गुण कहते हैं। और वामन जो है वो गुण को 10 बताते हैं। भोज राजा गुण के 20 भेद बताते हैं, परंतु हेमचंद्राचार्य जो है वो कहते हैं कि त्रयो गुणाः न पंच दश, गुण तीन ही है, 10 और 20 नहीं है। फिर उन्होंने माधुर्य ओज और प्रासाद, ये तीन ही गुण हैं, ऐसा काव्यानुशासन में किया है। माधुर्य गुण जो है वो श्रृंगार रस में होता है, करुण में होता है, और ओज गुण जो होता है वो वीर रस में होता है, और प्रासाद गुण है वो संपूर्ण रस में होता है। फिर उन्होंने गुण के व्यंजक वर्ण क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा की है। और यही मुझे सबसे अच्छा लगता है कि गुणों के जो व्यंजक वर्ण है, यहाँ हमारे जो आचार्य हैं वो मनोविज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं कि माधुर्य गुण के काव्य का जब हम निर्माण करते हैं तो उसमें हमें ट, ख, द, ढ, ण जैसे जो वर्ण है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो हमारे कानों में चुभते हैं। माधुर्य गुण ऐसा है कि क से म पर्यंत के जो वर्ण है, समास रहित वर्ण है, उसी का वर्णज इसमें होता है। फिर ओज गुण जो है उसी में उन्होंने कहा है कि ओज की जो रचना है वो रचना वीर रस को जागृत करती है,
तो उसी में हमें ट, ध, ढ जो वर्ण है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो मैंने ये सोचा है और मैंने ये जाना है कि हमारी जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है और उसी में जो काव्य है, गीत है, वो इसी साइकोलॉजी को फॉलो करते हैं। जो प्रेम के गीत होते हैं, श्रृंगार के गीत होते हैं, माधुर्य के जो गीत होते हैं, उसमें ट, ध, ढ, ण का वर्णन नहीं होता। और जब ओज गुण आता है, तो हमने बाहुबली पिक्चर में भी देखा है कि जब वीर रस जागृत करना होता है तो उसमें ट, ध, ढ जैसे वर्ण का उच्चारण करना चाहिए। वो हम शिव तांडव में भी देखते हैं। फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अः हेमचंद्राचार्य जो है उन्होंने खूब दूर से सोचा है। मैंने नई शिक्षण नीति जब पढ़ी तो उसमें है कि हमारी जो शास्त्रीय भाषा है वो भाषा का हमें संवर्धन करना चाहिए, उसे संचित करना चाहिए और उसके जो वर्ण है उसे हमें बचाना चाहिए, ताकि भाषा जो है वो वर्षों के पश्चात लुप्त हो जाती है और उसी के साथ हमारे शब्द भी लुप्त हो जाते हैं। तो ये आज नई शिक्षण नीति में कहा है, 12वीं सदी में हेमचंद्राचार्य जी ने वो काम करके दिखाया। उन्होंने निघंटू लिखा है, उन्होंने अभिधान चिंतामणि लिखा है, उन्होंने देसी नामावली भी लिखी है। तो जब हम इस सदी में यह सोचते हैं तो वो 12वीं सदी में ये सोचते थे और यह मुझे सबसे अच्छा लगा। अस्तु। शैलेश कुमार परमार। नमस्कार। મારો વિષય છે વાલ્મીકિ રામાયણમાં નિરૂપિત રથોના પ્રકારો એક અધ્યયન। પ્રાચીન કાળથી રથોનો ઉપયોગ થતો આવ્યો છે અને રથ એ મુખ્યત્વે આવવા જવા માટેનું એક અગત્યનું વાહન હતું પ્રાચીન સમયની અંદર। ઋગ્વેદની અંદર દિવ્ય રથો, માનુષ રથો અને સાંગ્રામિક એમ ત્રણ પ્રકારના રથોનો ઉલ્લેખ છે। જ્યારે કૌટિલ્યના અર્થશાસ્ત્રમાં રથોના મુખ્યત્વે બે પ્રકાર પાડવામાં આવ્યા છે, એક માપના આધારે રથના પ્રકાર અને બીજો ઉપયોગના આધારે રથના પ્રકાર, જેમાં માપના આધારે લંબાઈ લંબચાઈના આધારે 7 પ્રકારના રથોનો ઉલ્લેખ છે, જ્યારે ઉપયોગના આધારે 6 પ્રકારના રથોનો ઉલ્લેખ છે। વાલ્મીકિ રામાયણની અંદર મુખ્યત્વે 3 પ્રકારના રથોનો ઉલ્લેખ છે, ઔપવાહ્ય રથ, સાંગ્રામિક રથ અને પુષ્પ રથ। ઔપવાહ્ય રથ એટલે જે રથમાં બે ઘોડા જોતરેલા હોય અને સવારી માટે કામમાં આવતો હોય તે ઔપવાહ્ય રથ કહેવામાં આવતો હતો, જેમ કે રામાયણની અંદર રાજા ભગીરથનો રથ, રાજર્ષિ અમરીશનો રથ અને રામનો રથ, એ ઔપવાહ્ય પ્રકારના રથો હતા। સાંગ્રામિક રથ એટલે યુદ્ધના સમયમાં અને યુદ્ધ માટે જ જેનું નિર્માણ થયું હતું એને સાંગ્રામિક રથ કહેવાય, જેમાં અસ્ત્ર શસ્ત્ર મૂકવાની જગ્યાઓ પણ રાખવામાં આવતી હતી। રામાયણમાં સાંગ્રામિક રથોનું પ્રમાણ વધુ છે, જેમ કે રાવણનો રથ, અક્ષકુમારનો રથ, ઇન્દ્રજીતનો રથ, ખર, તિશીરા વગેરે રથો એ સાંગ્રામિક રથો હતા। પુષ્પ રથ જે ફૂલોથી શણગારવામાં આવતો હતો અને હરવા ફરવા માટેનો એક રથ હતો, કોઈ ઉત્સવ કે કોઈ પ્રસંગ હોય ત્યારે આવવા જવા માટે એનો ઉપયોગ થતો હતો। આ સિવાય રામાયણની અંદર વિવિધ પ્રાણીઓ જોતરેલા રથોનો પણ ઉલ્લેખ છે અને જેના આધારે એના નામ પાડવામાં આવે, જેમ કે અશ્વરથ, ઘોડા જોતરેલા રથને અશ્વરથ કહેવાતો હતો, ગાધર રથ એટલે ગધેડા જોતરેલા કે ખચ્ચર જોતરેલા રથને ગાધર રથ કહેવાતો હતો। આ સિવાય ઓષ્ટ્ર રથ, ઊંટ જોતા રથને ઓષ્ટ્ર રથ કહેવામાં આવતો હતો, સિંહ રથ, સિંહ જોતા રથને સિંહ રથ, જેમ મેઘનાદનો રથ એ 4 સિંહોથી જોતરાયેલો રથ હતો રામાયણની અંદર, એનો ઉલ્લેખ છે। ગોરથ, વૃષરથ કે બળદ જોતા રથને ગોરથ કહેવામાં આવતો હતો। આ સિવાય રામાયણમાં બ્રાહ્મરથ, પંડગરથ, વૈયાદ્ર રથ જેવા વિવિધ પ્રકારના રથોનો પણ ઉલ્લેખ છે। અસ્તુ सभी शोध स्पर्धियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर समीर भाई प्रजापति को निवेदन करती हूँ कि वो अध्यक्ष स्थान से शोधकर्ताओं ने जो अपने शोध पत्र प्रकट किए हैं उसके प्रति अपने विचार प्रकट करें।
परम श्रद्धे संवेद स्वरूप डॉक्टर मणिमी साहब, परम आदरणीय डॉक्टर कमलेश भाई साहब, राठवा सर, संस्कृत डिपार्टमेंट के अन्य अध्यापक श्री, शोधार्थी, सबका मैं यहाँ धन्यवाद करता हूँ, वंदन करता हूँ सबको। सही में मैं इसके लायक नहीं हूं, फिर भी दिलीप भाई ने मुझे ये जवाबदारी दे दी तो मुझे निभानी पड़ी है। जो मैं यथामति यहाँ बात करूंगा, कुल 6 शोध पत्र, शोध पत्र भी कहे जाएंगे और अभ्यास लेख भी कहेंगे तो अच्छा रहेगा, तो यहाँ प्रस्तुत हुए उसमें प्रथम जो शोध पत्र है, सिमंतिनी सेठ, सिमंतिनी बहन जो यहाँ से अभी तो चली गई है, फिर भी मुझे जो समझ में आया मैं वो बात बताता हूँ कि टीका पर उन्होंने बात की। टीका ये कहाँ से प्राप्त की, उसका जो साधारण स्रोत उन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया। पाठ समीक्षा के लिए विविध स्थानों से उपलब्ध टीकाओं का संकलन करके ही पाठ समीक्षा होती है और एक शुद्ध आवृत्ति हमारे सामने आती है। वस्तुप्रतो की अवस्था एक ऐसी होती है, यह सब बातें उन्होंने उनके शोध पत्र में प्रस्तुत की। तो एक नया विषय जो हमारे उत्तर गुजरात में टीकाओं पर बहुत ज्यादा काम नहीं होता है, तो मुझे भी ये बात बहुत समझ में नहीं आती है, फिर भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ तो ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि वस्त्रप्रतों पर, मैन्युस्क्रिप्ट्स पर कैसे काम किया जाता है, वो भी हमें उनके वर्कशॉप करके सीखना पड़ता है। तो सीमंदिरी बहन को मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छा शोध पत्र लेके आए। दूसरा वैशाली बहन शाह, जिनका विषय था दुर्दाख्यान आचार्य हरिभद्र सूरि रचित व्यंग्य काव्य कथा, उन्होंने व्यंग्य काव्य के 2 प्रकार बताए, लेकिन उसके पीछे भी कवि का उद्देश्य व्यंग्य के साथ समाज सुधारना, समाज निर्माण का होता है, वो भी बात उन्होंने बताई। कोई भी कवि हृदय होता है वो सिर्फ व्यंग्य नहीं करता, लेकिन व्यंग्य के साथ उनके हृदय में समाज सुधारना, लोक कल्याण की भावनाएं छुपी रहती है, निहित होती है, वो भी हमें उनको समझना चाहिए। ये बात उनके जो वैशाली बहन थी, उनका जो शोध पत्र था उनमें ये बातें छुपी हुई थी। तो ये उद्देश्य हर एक साहित्य का रहा है। दुर्दाख्यान की सर्वांगीण समीक्षा भी उन्होंने की है, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। उसके बाद अक्षिता बहन, जो उनका विषय था राजशेखर कृत कर्पूर मंजरी शतक, तो शतक का स्वरूप क्या होता है, प्राकृत भाषा में उसकी रचना हुई है, शतक स्वरूप को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति का निरूपण किया गया है और वास्तविक सामाजिक स्थिति का निरूपण साहित्यिक, धार्मिक, सामाजिक दृष्टि से भी उन्होंने ये पूरी जो कृति है उनका समीक्षात्मक अध्ययन यहाँ पे प्रस्तुत किया है, वो भी एक अच्छा अभ्यास लेख था। इसके बाद चंद्रिका बहन, उनका विषय था हेम चंद्राचार्य कृत काव्यानुशासन में गुण विचार, तो गुणानुसार वर्ण प्रयोग करना चाहिए, वे भी रसानुसार वर्ण प्रयोग करना चाहिए। तो हेमचंद्राचार्य की जो दीर्घ दृष्टि का दर्शन यहाँ पे उन्होंने करवाया है और वर्तमान में यह विचार कितने उपादेय हैं, ये बात शोध छात्रा ने बताकर एक नई दृष्टि दी है, वो भी हमें समझना चाहिए। तो चंद्रिका बहन का भी धन्यवाद यहाँ पे मैं ज्ञापित करता हूँ। और लास्ट में शैलेश कुमार परमार,
जो उन्होंने वाल्मीकि रामायण में रथों का प्रयोग किया है, तो रथ शास्त्र कैसा होता है? महाभारत रामायण ऐसे जो ग्रंथ है उसमें वो जो ग्रंथ है उनमें इतनी भी साधन सामग्री है, उतने शास्त्र है, तो एक एक शास्त्र पर एक बड़ा काम हो सकता है। तो इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में रथ के जो प्रकार, तो रथ शास्त्र यहाँ दिखाई देता है, रथों की विशेषताएं, उपयोगिता, रथ नामकरण, उसका अच्छा उन्होंने संकलन किया है। बाकी मुझे लगता है कि कोई नहीं रह जाता। हाँ, एक कृणाल भाई, जो उन्होंने हेम के राम, वो सातवां पर्व है त्रिषष्टि सलाह का कुरुक्षेत्र में, तो उनको ये बात बताने से पहले उन्होंने जैन साहित्य में कहाँ कहाँ राम कथा है वो स्रोत हमको दिया, राम का व्यक्तित्व तो भी बताया, लेकिन राम को ही केंद्र में रखना चाहिए मुझे ऐसा लगा इस शोध पत्र से। तो राम का व्यक्तित्व कैसा है वो ही बताना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो थोड़ा सा मुझे उसमें ये लगा कि थोड़ा सा ज्यादा काम करके ये राम कथा में राम का व्यक्तित्व पॉइंट टू पॉइंट वो देते तो वो शोध पत्र बहुत अच्छा होता। मुझे ये अध्यक्ष स्थान देके जो मेरे पर कृपा की है, इसलिए मैं आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे सामने सब विद्वंत जन हैं, मैं पहली बार ऐसा अध्यक्ष स्थान मैंने निभाया है, इसलिए थोड़ा भय भी था, वो मैं नम्रता पूर्वक कहता हूं। थैंक यू वेरी मच, मेरी बात मैं पूर्ण करता हूं। अंतिम सत्र में जो शोधार्थियों ने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं, तो सर्टिफिकेट के लिए मैं डॉक्टर समीर भाई प्रजापति को निवेदन करती हूँ कि मंच पर उनको बुलाए और उनको सर्टिफिकेट वितरण करें। डॉक्टर कृणाल भाई, डॉक्टर कृणाल भाई तो बस ही चंद्रिका धन्यवाद। बहन सही बहुत बहुत धन्यवाद समीर भाई। नहीं बाकी है उपस्थित, नहीं है उपस्थित, नहीं है। तो आज के संस्कृत हेम समारोह का जो दूसरा दिन का जो कार्यक्रम था, तो आज हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। खूब खूब धन्यवाद। हाँ, और कल जो विद्यार्थी है यहाँ पे उपस्थित, तो 9 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। हेलो थैंक यू। दोस्तों।